आइसोमेट्रिक जंप में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम मोहित वर्मा है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि फ्लैट हेड रिवेट कैसे बनाया जाता है। इससे पहले भी हमने 4 वीडियो रिवेट के ऊपर ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, आप चाहे तो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं ताकि बाकी के रिवेट बनाने का तरीका भी आपको आ जाए। तो चलिए पहले इसकी कुछ डायमेंशन समझ लेते हैं। यहाँ पे जो रिवेट की डायमेंशन दी हुई है वो डी के फॉर्म में दी हुई है, लेकिन यहाँ पे डी कुछ मानने को नहीं दिया है, तो यहाँ पे हम डी की वैल्यू 20 mm मान लेते हैं। डी बराबर 20 mm। तो इस बात का ध्यान देना कि अगर आपके एग्ज़ाम में डी की वैल्यू मानने को दी है तो आप वही वाली डी की वैल्यू मानेंगे, लेकिन अगर आपके एग्ज़ाम में डी की वैल्यू नहीं दी है तो आप कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पर डी की वैल्यू मैंने 20 mm मानी है, तो चलिए आप सारी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर 2D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2D बराबर, यहाँ पर डी की वैल्यू 20 mm है तो हम 2 को 20 से गुणा कर देंगे, यहाँ पर 40 mm आ जाएगी। अब 0.25D की वैल्यू कितनी आएगी, 0.25D बराबर, यहाँ पे हम 0.25 को 20 से गुणा करेंगे, यहाँ पे आ जाएगी 5 mm। और जो इसकी लेंथ है वो हम कितना भी ले सकते हैं ताकि डायग्राम अच्छा दिखे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सेंटर लाइन खींचेंगे। सेंटर लाइन किस लिए खींच रहे हैं वो आपको पता होगा, क्योंकि हमने पहले ही वीडियो में बताया है कि सेंटर लाइन का इस्तेमाल वहीं होता है जब हम किसी चीज़ को 2 बराबर हिस्से में बांटते हैं। ये खींच लिया हमने सेंटर लाइन। यहाँ पे डी 20 mm दिया है, मतलब यहाँ से 10 mm इधर लेंगे और 10 mm इधर लेंगे। ये ले लिया हमने 20 mm की वैल्यू। इसकी हाइट हम ले रहे हैं 40 mm। ये ले लिया हमने इसकी हाइट 40 mm, और इतने के बीच की दूरी दिया है 0.25, जिसकी वैल्यू निकली है 5 mm। तो मतलब हम यहाँ से 5 mm पर पॉइंट लगाएंगे। ये रहा 5 mm की हाइट से हम लोग एक सीधी लाइन खींचेंगे, और सीधी लाइन की दूरी कितनी होगी, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 2D, जिसकी वैल्यू निकली है 40 mm। मतलब हम 20 mm इधर लेंगे और 20 mm इधर। लाइन खींच ली हमने, इसको भी घींच देते हैं थोड़ा। ये भी खींच लिया, और ये जो हाफ राउंड है यहाँ पे इसको हम फ्री एंड बना लेंगे। और नीचे जो ये कर्व दिया है उसको भी हम फ्री हैंड बना लेंगे। अब इस पर हम हैचिंग कर लेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना कि जो हैचिंग हम कर रहे हैं इसकी दूरी समान होनी चाहिए। चलिए आपको डायमेंशन शो कर देते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना कि जो डायमेंशन हम देंगे इसको हम डी के फॉर्म में ही देंगे, इसको नंबर में नहीं देंगे। जैसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2D दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी D दिया है, इतने की दूरी इसने 0.25D दी है, 0.25D। और यहाँ से हम लिख लेंगे लेंथ LENGTH। फाइनली हम नीचे लिख देंगे फ्लैट हेड रिवेट। ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कोई और डाउट रह गया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।